हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल फोस्टर। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपनी नई वीडियो की, जिसमें अनबॉक्सिंग करेंगे एमआई के कुछ प्रोडक्ट्स की, जिसमें शामिल है एमआई का पावर बैंक 2i 10,000 mAh रेड कलर लिमिटेड एडिशन, और दूसरा है एमआई का बैकपैक जो है एमआई सिटी बैकपैक। चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे इस पावर बैंक की। इसे पावर बैंक की जरूरत किसी नहीं पड़ती है आजकल, बैटरी जो है वो इतनी मोबाइल में आती नहीं है, तो पावर बैंक की जरूरत तो पड़ती है, और एमआई से बेटर ऑप्शन आपको शायद ही मिले सस्ते में। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से फीचर आज हमको देखने को मिलते हैं। वैसे एमआई के सारे पावर बैंक अच्छे ही रहे हैं जो भी हैं, उसके फीचर देख लेते हैं एक बार जो सामने की तरफ इन्होंने दिए हुए हैं। स्लिक डिज़ाइन है, टू वे फास्ट चार्ज इसमें दिया हुआ है, 14.2 mm का थिन डिज़ाइन है, और बैटरी जो है लिथियम पॉलीमर की है, और साइड में इन्होंने ब्रांडिंग यहाँ पर दिया हुआ है एमआई पावर बैंक 10,000 mAh 2i। यहाँ पर इनका जो जेन्युइन लोगो है उसका एक 3D हॉलमार्क है, और पीछे कुछ डिटेल्स हैं, साइड में भी ब्रांडिंग ही है। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और देखते हैं कैसा है ये। सो एमआई के पावर बैंक सबको ही पसंद आए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने एमआई के जो पावर बैंक हैं वो बहुत ज़्यादा ख़रीदे थे। चलिए देखते हैं इसका कलर जो है, काफ़ी पंची कलर है, रेड कलर है, और काफ़ी लोगों को पसंद भी आया ये वाला कलर। देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता हमको। सबसे पहले तो इन्होंने दिया हुआ है ये एमआई का बुकलेट है छोटा सा, इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है। कुछ नहीं है, एमआई के पावर बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें। यूएसबी आउटपुट के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, और पावर चेक के लिए इंडिकेटर भी है, और माइक्रो यूएसबी चार्जिंग है, और कुछ पावर लेवल्स भी दिए हुए हैं जो आपको ब्लूटूथ ईयरफोन्स और आपका जो एमआई बैंड है उन्हें चार्ज करने में थोड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि लो चार्जिंग सपोर्ट है 0.2 एम्पियर 0.25 एम्पियर, तो अलग अलग जो छोटे डिवाइसेस हैं वो आप अच्छे से चार्ज कर पाएंगे। जेन्युइन लोगोस को भी दिखाया हुआ है इसमें कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं एमआई के जेन्युइन प्रोडक्ट्स की। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं, देखते हैं क्या क्या इन्होंने बॉक्स में और दिया है। ये पावर बैंक है, इसे देखते हैं अभी, और यूएसबी केबल भी इन्होंने दिए, छोटी देते हैं एक्चुअली, यूएसबी जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि पावर कंजप्शन बहुत होता है लंबी में जो डेटा केबल फ़ोन के साथ आती है, तो ये अगर इससे चार्ज करेंगे तो जल्दी चार्ज भी करेगा और पावर कंजप्शन भी लो ही रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा 10,000 mAh आपको मिलने नहीं वाला है, कुछ बैटरी के साथ ही रह जाता है, तो जितना मिलेगा आपको वो ये 2 times या 3 times ही रहेगा अकॉर्डिंग टू मोबाइल्स। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन इन्होंने दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं एमआई का ब्रांडिंग है, और पीछे भी इन्होंने एमआई का लोगो तो नहीं है, बस कुछ डिटेल्स ही दिए हैं इन्होंने यहाँ पे, और सामने की तरफ दो पोर्ट हैं, टू वे चार्ज है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, तो और चार्जिंग के लिए भी मिनी यूएसबी पोर्ट दिया है, नीचे इंडिकेटर्स हैं, बटन भी दिया है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा। पीछे की तरफ डिटेल्स हैं, 10,000 mAh बैटरी, और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, 2 एम्पियर क्वालकॉम 2.0 सपोर्ट है, 9 वोल्ट के साथ है, और लो डिवाइसेस के लिए भी मैक्सिमम 9 वोल्ट 12 वोल्ट और 15 वोल्ट के साथ मैक्सिमम आप इसे यूज़ कर पाएंगे, तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है कुछ डिवाइसेस के लिए जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। 3-4 ऑप्शन फास्ट चार्जिंग के लिए भी आपको अवेलेबल रहेंगे। चलिए देखते हैं ये कितना सस्ता है। ये 899 प्राइस में एमआई प्रोवाइड करा रहा है इसको। अगर इसका कंपैरिजन करें भी हम सोनी के एक प्रोडक्ट से करते हैं, ये सोनी का पावर बैंक है, और ये 5,800 mAh का है, 3.8 वोल्ट के साथ है, और जो इसका मिनिमम जो सपोर्ट है वो 3,700 mAh पे ही है। तो देखते हैं कि ये कितना सस्ता है इससे। इसमें भी एक्चुअली आपको सारे इंडिकेटर्स वगैरह दिए हुए हैं, चार्जिंग भी इसमें सपोर्ट है, इंडिकेटर्स हैं, चार्जिंग के लिए एक ही पोर्ट है, और ये लगभग सोनी देता है कोई 1200 रुपये से 1400 रुपये के बीच में। तो आप देख सकते हैं एमआई के प्रोडक्ट्स कितने रिलायबल हैं और कितने सस्ते इंडिया में प्रोवाइड कराता है।
इसमें भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ की है जो MI ने कर रखी है, पर प्राइस में आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। चलिए इसकी डिटेल्स भी आपको दिखा देते हैं एक बार जूम करके। यहाँ पे देख सकते हैं आप 5800 mAh सपोर्ट है इसका, और ये फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं है एक्चुअली। ये आईफोन SE को मैक्सिमम 2 बार चार्ज करता है, तो इसमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता जो MI का प्रोडक्ट्स दे रहे हैं आजकल। पर प्राइस में मैं आपको दिखाना चाहता था कि प्राइस में अगर पावर बैंक में देखेंगे तो कितना अंतर है दोनों में, MI एंड सोनी। चलिए ये तो प्राइस का कंपैरिजन हो गया, और बाकी इसके जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। आपको इसमें लो चार्जिंग सपोर्ट है वो भी मिलेगा। तो MI अगर देखा जाए तो MI का जो A1 मोबाइल है वो इससे आप मैक्सिमम 2.5 बार तो चार्ज कर ही पाएंगे, और अगर आईफोन को चार्ज करना चाहेंगे तो मैक्सिमम वो भी आपको 3.5 टाइम आप उसे चार्ज कर पाएंगे। अगर कोई बड़ा डिवाइस iPad अगर चाहेंगे चार्ज करना तो 1.5 टाइम वो भी फुल चार्ज हो जाएगा iPad mini 4। और बाकी MI ब्लूटूथ हेडसेट हुआ या फिर नॉर्मल जो ब्लूटूथ हेडसेट आप यूज़ करते हैं, 0.06 एम्पियर के साथ इसमें चार्जिंग सपोर्ट है। MI बैंड भी 0.025 एम्पियर के साथ चार्ज कर देगा इसको, तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है इसका। और जो बाकी फीचर्स हैं इसमें दिए हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, इनपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हुआ, प्रोटेक्शन फ्रॉम इनकरेक्ट इंसर्शन, ये कुछ तरह के फीचर्स इसमें आपको इसकी वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएंगे। रीसेट ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो खुद से रीसेट भी हो जाता है। और जो सर्किट है वो भी काफ़ी हाई लेवल का दिया हुआ है इसमें, तो PTC प्रोटेक्टिव जो इसका सर्किट है वो है। चलिए अपने नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं जो है MI का बैकपैक। चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं MI के सिटी बैकपैक की। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स की दी हुई हैं, और जो लोगो है वो यहाँ पे है, बाकी जो प्राइजेज हैं उसकी जो मटेरियल है वो भी दिया हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया है, इसका जो डायमेंशन है वो भी दिया हुआ है। जो प्राइजेज हैं वो एक्चुअल में इतने नहीं हैं, थोड़ी सी इस पर परसेंटेज अभी फ्री है इंडिया में MI की तरफ से, तो ये 1600 में अवेलेबल है अभी। चलिए देखते हैं इसे कैसा है ये। काफ़ी अच्छा जो है डिज़ाइन MI ने इसे दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर MI ने अपना जो लोगो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और जो इसकी जो जिप है उसमें भी MI की ब्रांडिंग है। काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल है, तो देखते हैं इसे कैसा इसका अंदर से इंटीरियर दिया है। चार सबसे देख सकते हैं आप इसे, काफ़ी स्लिक डिज़ाइन है। काफ़ी स्लिक डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इन्होंने दिया है। चलिए देखते हैं इसमें इन्होंने अंदर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ अगर देखेंगे तो इन्होंने 2 ऑप्शन जेब के ऊपर भी दिए हैं और एक साइड में भी है, तो ऊपर इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस रखने के लिए। इसमें जो जिप है एक साइड में भी जिप इसमें दी हुई है, मेन जिप से ऊपर है ये। शायद ये ज़्यादा अंदर तक नहीं है, तो इसमें साइड में जो है आप इसमें क्विक कुछ चीज़ें निकालनी हैं तो वो रख सकते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है। बैक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, इसका जो कपड़ा है काफ़ी सॉफ्ट है। फिर देखते हैं इसके जो साइड में इन्होंने क्या दिया है ऑप्शन। लैपटॉप के लिए तो ये काफ़ी अच्छा बैग है।
निकाल देते हैं इसमें से। आप देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी सारे जेब भी दिए हुए हैं इसमें। एक जीप आपको अंदर ही मिलती है। ऊपर भी एक जेब दी हुई है, दो जेब यहाँ पे भी हैं। तो लैपटॉप के साथ भी आपको टैबलेट रखने का भी ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। अंदर भी MI का एक ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग नहीं है एक्चुअली, MI की सिलिका सेल है। और बाकी नीचे लैपटॉप रखने के लिए भी एक अच्छा, ऊपर टैबलेट रखने के लिए ऑप्शन है, नीचे लैपटॉप के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। 15 इंच के लैपटॉप के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इन्होंने यहाँ पे लोगो भी बनाया है टैबलेट के लिए, लैपी के लिए। तो काफ़ी, और एक साइड में भी इन्होंने एक क्विक कुछ चीज़ें बाहर की तरफ रखनी है तो उसके लिए भी इन्होंने स्पेस बनाया है थोड़ा। इसमें आप काफ़ी कुछ रख पाएंगे, पूरा खुल जाता है तो काफ़ी काफ़ी कुछ सामान इसमें आप रख पाएंगे। इसका जो मटेरियल है वो बारिश से तो बचाएगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा रेजिस्टेंट है वाटर को लेके। तो काफ़ी जो हल्का भी है, काफ़ी लाइट वेट है। चलिए ठीक है, ये थी हमारी कुछ MI के प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग। अगर कुछ पूछना होगा इनके लिए तो आप ज़रूर हमसे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नई सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करिएगा अगर जानना चाहते हैं MI के प्रोडक्ट्स के बारे में। शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके। थैंक यू सो मच।